फ्रेंड्स, इंडियंस, कंट्रीमैन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल पे हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स को पढ़ाई से रिलेटेड क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, उसके अलावा स्टूडेंट्स के लाइफस्टाइल के बारे में, स्टूडेंट्स की लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है, उस सब के बारे में बात करेंगे। मगर आज का ये जो वीडियो है ना, उसका टॉपिक स्पेसिफिकली पढ़ाई से रिलेटेड है। क्या टॉपिक है आज हम बात करने वाले हैं? जून 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है ना। ये मेरे अपने नोट्स हैं दोस्तों, इन नोट्स को मैंने बनाया है बैंकिंग के एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए। मगर ऑब्वियसली ये एसएससी वगैरह और भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स, जहाँ जहाँ भी करंट अफेयर्स का इस्तेमाल होता है वहाँ वहाँ ये काम आ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जून 2021 के करंट अफेयर्स, शुरुआत हम करते हैं एंटरटेनमेंट से। बाफ्ता 2021, बाफ्ता फॉर अवार्ड्स की बात कर रहे हैं हम। इसके फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी फॉर फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ओके। 2021 के अवार्ड्स कहाँ पर हुआ ये? इसका वेन्यू था लंडन्स टेलीविजन सेंटर, लंडन्स टीवी सेंटर। होस्ट थे इसके रिचर्ड आयोवाडी, ठीक है, एक ब्रिटिश एक्टर हैं ये। उसके अलावा सिंस 1955 से बाफ्ता अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, इतने साल हो गए। अब लीड विनर्स कौन कौन थे, मेजर विनर्स को ही जानना जरूरी है, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ड्रामा सीरीज, कौन सी सीरीज को मिला बेस्ट बाफ्ता अवार्ड, मतलब कौन सी सीरीज को मिला इस साल? ये मिला है सेव मी टू, ठीक है, यह है सीरीज का नाम सेव मी टू। और लीड एक्टर में किसको मिला है अवार्ड? पॉल मैस्कल, नॉर्मल पीपल के लिए, ठीक है, इनका एक काम था नॉर्मल पीपल में, इन्होंने काम किया था पॉल मैस्कल ने। लीड एक्टर पॉल मैस्कल, दिमाग में बिठा लो दोस्तों, लीड एक्टर पॉल मैस्कल, क्या बाफ्ता। लीड एक्ट्रेस माइकेला कोएल, कौन? माइकेला कोएल। और इन्होंने किस में काम किया था? इन्होंने काम किया था आई मे डिस्ट्रॉय यू में, ओके। तो यह है बाफ्ता। एंटरटेनमेंट से हमने शुरुआत की, थोड़ा लाइट। तो आप ये चीज नोट करना कि जहां पर भी ये ब्लू कलर से हाईलाइट किया होगा ना, तो नया टॉपिक है। जैसे ऊपर बाफ्ता था, यहां पर अब स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ओके। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को, 5 जून को मनाया जाता है। और इस साल इसका जो स्लोगन था वो ये था री इमेजिन रिक्रिएट रिस्टोर। दो बार मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि नीचे एक तो मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, और दूसरी बात ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दो बार लिखा है। दोबारा पढ़ते हैं, री इमेजिन रिक्रिएट रिस्टोर, बिठा लो दिमाग में, री इमेजिन रिक्रिएट रिस्टोर। और इसका होस्ट कौन था? ऑब्वियसली अब कोविड की वजह से ये क्या कहते हैं, फिजिकल स्पेस में नहीं हो पाई ये मीटिंग, तो वर्चुअली हो पाई, हो पाया इसका, ओके। 1974 से ये स्टार्ट हुआ, और फर्स्ट ईयर में मतलब 1974 में इसका जो स्लोगन था वो था ओनली वन अर्थ, ओके। मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है याद रखने के लिए, दो चीजें, एक तो 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, और दूसरा 2021 में इसका स्लोगन था री इमेजिन रिक्रिएट एंड रिस्टोर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक ब्लू से हमने फिर से हाईलाइट किया हुआ है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 मतलब कौन सा शहर रहे जाने के लायक, लिवेबिलिटी, कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा है और कौन सा शहर सबसे खराब है, ठीक है। रैंक वन है ऑकलैंड, कौन से देश में है? न्यूजीलैंड, याद रखना। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 रैंक वन ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। यह बेस्ट ऑन लिवेबिलिटी इंडेक्स, बेस्ट शहर माना गया ये, ओके। लास्ट रैंक मिली है बेचारे दमास्कस को, दमास्कस द कैपिटल ऑफ सीरिया, ओके। वर्स्ट ऑन लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसके अलावा रैंक टू जो है ओसाका को मिली है, ओसाका जैपनीज कंट्री है, सॉरी जैपनीज सिटी है। रैंक थ्री मिली है एडिलेड है ऑस्ट्रेलियन सिटी, ओके। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 रैंक वन ऑकलैंड, लास्ट रैंक दमास्कस सीरिया। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, सबसे कमजोर कौन सी है, उसकी रैंकिंग्स, शॉर्ट फॉर्म CWUR, साल 2021-22, 2021-22। बेस्ट रैंकिंग इसको मिली है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ओके। आप, मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है ताकि आप भी याद रख सको और मैं भी याद रख सकूं। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं टॉप फाइव, हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कौन कौन सी? हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है US में, MIT मैसाचुसेट्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग है, शायद मैंने ठीक से प्रोनाउंस किया है, शायद नहीं किया, आप जाकर गूगल कर सकते हैं, ओके। यूएस का एक स्टेट है,
यूएस में है ये भी ऑब्वियसली। तीसरी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी यूएस में है। फोर्थ है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये यूके में है, स्पेसिफिकली इंग्लैंड में है। उसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये भी इंग्लैंड में है। ओके अब जरा बात कर लेते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कहाँ स्टैंड करती हैं। इंडिया की यूनिवर्सिटी जो टॉप यूनिवर्सिटी है सारी दुनिया में, वो ये आई है नंबर 415, रैंक 415, 415 पे आई है। कौन सी? IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। ओके ठीक है, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ICC हॉल ऑफ फेम। ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट की जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, ये इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है सबसे बड़ी। ओके पांच अलग अलग एरा में डिवाइड कर दिया क्रिकेट को, ठीक है ना। उसके हिसाब से, हर एक एरा के हिसाब से इन्होंने दो दो लेजेंड चुने अपने हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करने के लिए इस साल, किस साल? 2021 में। ओके अर्ली एरा की बात करते हैं। अर्ली एरा किसको मानते हैं? बिफोर 1918, मतलब इजी तरीका याद करने का, वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होने तक अर्ली एरा। उसमें इन्होंने दो लोगों को इंडक्ट, उस टाइम से इन्होंने दो लोगों को इंडक्ट किया है अपने हॉल ऑफ फेम में। एक है ऑबरी फॉकनर, जो कि हैं साउथ अफ्रीका के, जो कि थे साउथ अफ्रीका के। ओके साउथ अफ्रीका के लिए खेले थे ये। इसके अलावा मॉन्टी नोबल, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले थे। इंटर वॉर एरा, इंटर वॉर एरा टाइम 1918 टू 1945, ठीक है, 1918 से 1945। मतलब इजी तरीका है याद करने का, वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने से वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने तक, ठीक है ना। 1918 टू 1945 इंटर वॉर एरा में दो लोगों को इन्होंने इंडक्ट किया, सर लेरी कॉन्स्टेंटीन वेस्ट इंडीज के लिए खेलते थे, दूसरे स्टैन मैककेब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे ये। इसके बाद आते हैं पोस्ट वॉर एरा, मतलब पोस्ट वॉर, पोस्ट वॉर कौन सी वॉर? पोस्ट वॉर का जो कहा जाता है उसमें जो वॉर है उसका मीनिंग होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। 1946 से 1970, 1970 का क्या महत्व है अभी हम डिस्कस करते हैं। 1946 से 1970 को कहा जाता है पोस्ट वॉर एरा क्रिकेट के वर्ल्ड में। इसमें इस टाइम से दो लोगों को इंडक्ट किया गया है। एक है टेड डेक्स्टर, इंग्लैंड के लिए खेलते थे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीनू मांकड़ फ्रॉम इंडिया। दोस्तों नाम याद रख लो, अपने दिमाग में बिठा लो, वीनू मांकड़ फ्रॉम इंडिया साल 2021 ICC हॉल ऑफ फेम। वीनू मांकड़ फ्रॉम इंडिया ICC हॉल ऑफ फेम में साल 2021 से, ठीक है ना। ओके अब जरा थोड़ा सा फैक्ट इस तरफ देख लेते हैं, 1971 का क्या सिग्निफिकेंस है जरा इधर देखते हैं। 5 जनवरी 1971, 5 जनवरी 1971 को पहला वनडे इंटरनेशनल खेला गया था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। कहाँ? एट MCG, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। इसीलिए 1971 को, 1970 तक का जो टाइम है वो अलग एरा मानी जाती है, क्योंकि 1971 के बाद माना जाता है ODI एरा चालू हो गई थी, ODI एरा स्टार्ट हो गई थी 1971 टू 1995। इस टाइम से दो लोगों को उठाया गया। वेस्ट इंडीज से बेहतरीन बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैन थे डेजमंड हेन्स, ये एक एक लेजेंडरी ओपनिंग पेयर का वन हाफ है ये, डेजमंड हेन्स और गॉर्डन ग्रीनिज, ये बहुत अच्छा खेलते थे। तो डेजमंड हेन्स को इस साल इंडक्ट किया गया है वेस्ट इंडीज से। दूसरे हैं बॉब विलिस, ये इंग्लैंड से इनको इंडक्ट किया गया है, ठीक है। पांचवी एरा थी दोस्तों मॉडर्न एरा, बट ये मैंने छोड़ दी है, ये आप खुद गूगल करो और खुद देखो। इसमें मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, एक जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं और एक लेजेंडरी बैट्समैन है श्रीलंका के, ठीक है, कुछ टाइम पहले ही, कुछ साल पहले रिटायर हुए हैं। तो आप उनको गूगल करो, मॉडर्न एरा के 2021 के ICC हॉल ऑफ फेमर्स कौन कौन है। ओके अगले वीडियो में दोस्तों, हम आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें से एक होगा 2021 के पुलित्जर प्राइज विनर्स कौन कौन है। ओके मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।